Hello and watching Claptrap, we are back again. In this episode, you will get to see more than 5,000 furniture units at very good price. Let's begin with the introduction. Hello Mohit ji. Hello sir. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए. मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच. Tremendous response. Yes sir. और आपकी एक बात को जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, हम वहीं से लीड लेंगे कि मतलब कार्विंग में आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि ऐसा क्यों कार्विंग में और कौन कौन से एरिया से? सर, क्लासिकल की तरफ कस्टमर का दोबारा टेस्ट डेवलप होता जा रहा है. मॉडर्न जो है, मॉडर्न एक टाइम के बाद चेंज हो रहा है बार बार. कभी किसी डिज़ाइन में कुछ अल्ट्रेशन आ जाता है, कभी किसी में कुछ आ जाता है, बट जो कार्विंग है, कार्विंग एवर ग्रीन है सर. दोबारा कस्टमर का टेस्ट डेवलप होता जा रहा है. अच्छा. हम लोग पहले जो देखते थे, पहले साउथ इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था. अब दिल्ली, दिल्ली एनसीआर दोनों तरफ से ही हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. अच्छा, तो क्लासिक फर्नीचर इज डूइंग वेरी गुड. यस सर. एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे. क्लासिक फर्नीचर जो होते हैं कार्विंग के होते हैं, वेनेशियन है जनरल डिज़ाइन जितने भी हैं. जी सर. लेकिन ये दो सेगमेंट में है. एक है लग्जरी क्लासिक जो पॉलिश होते हैं जिनमें गोल्ड सिल्वर ये सब होता है. जी. एक होते हैं मॉडर्न क्लासिक जो कि वॉलनट कलर में होते हैं. आपके पास दोनों हैं? हमारे पास मैक्सिमम जो है वो लग्जरी की तरफ ही है. अच्छा, ठीक है. इनके सारे कैटलॉग्स, ये बहुत अच्छे ब्रांड के हैं सर. अगर आप कोई भी देखेंगे ना, कोई भी लोकल ब्रांड का नहीं है. फैब्रिक किंग है, दे आर द इम्पोर्टर. ग्लोबल फैब्रिक है, दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टर ऑफ गुड क्वालिटी फैब्रिक. निर्मल का है सर. जितने भी आप देखेंगे ना, सब कीर्ति नगर के अच्छे ब्रांड के फैब्रिक है. अच्छा, इंडियन सर. आज हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम जो अपने सेल के अंदर निकाल रहे हैं. जो हमारे पास सेम फ्लोर पीस ही मिलेंगे उसके अंदर, बट बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर. अच्छा, वो सब अवेलेबल होंगे सर. चलिए, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, देन वी कैन स्टॉप, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू. क्या स्कीम क्या है पूरी टोटल इन टोटलिटी? सर, अभी फेस्टिव सीजन इज ऑन द वे सर. लाइक 15th अगस्त है. हम 15th अगस्त के लिए भी प्रिपेयर है. उसके बाद राखी भी है सर. राखी के बाद फिर जन्माष्टमी है, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स दीपावली. अच्छा. उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां होनी है सर. जैसे अभी कुछ आर्टिकल्स चेंज हो गए हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सेल डिस्प्ले में से हटेंगे तो उनकी जगह भी बहुत नए आर्टिकल्स ऐड होंगे. ठीक है. तो आज बहुत अच्छे प्राइसेस के अंदर बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं. मॉडर्न भी हैं, कंटेम्प्रेरी भी है, क्लासिकल भी, हर तरीके का फर्नीचर आएगा सर. तो प्रीमियम सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे हम. फिर लास्ट में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है. उस समय तो जो आप प्राइस दे रहे हैं जी, वो तो अनबीटेबल होगा, पर वो बहुत कुछ करेंगे हम, है ना सर. आपने बताया कि जो यूनिट्स हम दिखा रहे हैं उसके लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं और हैवी डिस्काउंट पे. जी सर. वैलिड कब तक है वो डिस्काउंट? ये अभी है सर. जितना भी लग्जरी फर्नीचर है ये सारा हमारा कंटिन्यू रहेगा इसी प्राइस पे टिल दिवाली. टिल दिवाली जो हम लोग देंगे अभी, जो हमारे पास जो ऑफर प्राइस स्पेशल प्राइस के अंदर जो आर्टिकल्स होंगे वो सिर्फ होंगे फ्लोर पीस के ऊपर ही होंगे सर. ऑलराइट, वो लिमिटेड यूनिट्स होंगे. जी सर. ठीक है. जैसे दिवाली बताया आपने, 2024 का जो दिवाली है उस पे खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में आता है वो. यस सर. राइट, चलिए वी विल स्टार्ट विद दिस वन नाउ. 100% सॉलिड टीक वुड में. यस सर. और मतलब मोहित जी कह रहे थे कि आप क्वालिटी के ऊपर हम फोकस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब आपसे क्वालिटी का पूछना थोड़ा अजीब लगता है. सर, इस बार मैं एक चीज बता देता हूँ. हमने जैसे लास्ट 2-3 वीडियो से हम लोग फर्नशाला की वीडियो करते आ रहे हैं. क्लियरली एक ही चीज है सर, हमारे पास रेजिन की कोई भी आइटम नहीं है. कोई भी आप हैवी से हैवी सोफा देख लीजिए या लाइट से लाइट सोफा देख लीजिए, सब के सब टीक वुड के अंदर है. सारे 100% कार्विंग जितना भी है सारा सागवान के अंदर है. कोई सिंगल आर्टिकल भी हमारे पास फाइबर के अंदर नहीं है सर. चलिए, ठीक है. सो अब आते हैं, हमारा और आपका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप मटेरियल बताते हैं जी, हम थोड़ा सा डिजाइन और एस्थेटिक्स बताते जी, हैं सर. राइट जी. तो पहले आपकी बारी है कि आप मुझे क्विकली बता दें फैब्रिक, फिर बता दें क्या है डिजाइन, कौन कौन से इसमें वुड यूज किए हुए हैं. सर, एक ही सोफे की हम बता देते हैं. किसी भी सोफे के अंदर जो होगा सबके सब हमारे सेम मटेरियल यूज होगा सर. ये सोफा है, सारा स्ट्रक्चर जितना भी विजिबल है, जितना विजिबल स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल टीक वुड सर. गोल्डन मेटेलिक पॉलिश की हुई है सर. पॉलिश के ऊपर पीयू का एक कोट डाला हुआ है. इनसाइड जितना स्ट्रक्चर है दैट इज हैवी मरंडी वुड का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. जितनी भी कार्विंग सोफास के अंदर सीट होगी दैट विल बी ऑल पीयू सोफा सीट्स. पीयू सीट्स के सारे होंगे सर. अच्छा. जितना भी पीछे फैब्रिक लगा हुआ है दैट इज प्रीमियम नॉन शेडेड फैब्रिक. और सीट पे जितना लगा हुआ है दैट इज ऑल ब्रांडेड जैकार्ड फैब्रिक सर. ऑलराइट, बट हार्श नहीं है ना? नहीं सर, कहीं भी पूरा सॉफ्ट फैब्रिक है सर. कस्टमर आप खुद देख लीजिए सर, सारा का सारा बिल्कुल सॉफ्ट फील है, कहीं रफनेस नहीं है इसके अंदर. ठीक है. मुझे सिर्फ एक और शिकायत भी है कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स की कि वो टेपर की थोड़ी कमी होती है, तो कंफर्ट लेवल थोड़ा कम हो जाता है कभी कभी. जी जी. राइट, जी, तो जी, हम जी. उसके बारे में क्या एक ख्याल रखते हैं वो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलेंगे. सर, एक्चुअली पता है क्या, कार्विंग के अंदर बैक हार्ड होती है हमेशा, सबको मालूम है. अगर इसका एक बेस बना लिया जाए कि सीट के अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस या जंप दे दे तो सिटिंग कंफर्ट ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है. अच्छा, ये टेक्नोलॉजी है. जी सर. ऑलराइट, ठीक है, डन. ओके,
विद फ्लैप एंड विदाउट फ्लैप आते हैं, राउंड आर्म्स, कर्वेशियस आर्म साइड, आउटसाइड है, ये वेनेशन है, आपने ऑलरेडी हमको बता दिया जी। एक छोटा सा एस्थेटिक्स के बारे में हर बार एक हर यूनिट के साथ क्विकली बताएंगे जी कि आप अपने जो कर्टन्स हैं ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, वो आजकल ट्रेंड में है। छोटा अगर घर है तो सेम कलर के ले लें, जैसे आपने लगाया हो ना डार्क बेज एंड बेज जी सर, लुकिंग नाइस। क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस है सर? ये 1,54,000 का 7-सीटर सोफा है, 3+2+2, दैट इज 22,000 पर सीट। ओके, अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज 1,29,500 सर। ओके, सो इट वॉज 1,54,000, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 1,24,000, सेंटर एक्स्ट्रा, सेंटर टेबल इज एक्स्ट्रा। ऑलराइट, ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सेंटर टेबल से रिलेटेड टिप्स हैं, वो भी शेयर करेंगे जी सर। ये भी दिस वाज डुअल एक्सेंट, पॉलिश का एक्सेंट डबल था, डबल कलर में था सर। और इसमें, इसमें भी डबल कलर है, बट इसके अंदर जो शेडिंग है दैट इज वेरी लाइट सर। ठीक है, सिल्वर का जी सर। अभी हमने अभी जो देखा था दैट वाज इन गोल्डन कलर, ये जो है हमारा सिल्वर के अंदर है, और इसके अंदर जो है ब्लैक का एंटीक किया हुआ सर, ये भी सारा टीक वुड के अंदर है, सॉफ्ट जकार्ड पीयू सीट के अंदर है, अगेन नॉन शेडेड फैब्रिक यूज है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें, सोफे का जो प्राइस है दैट इज 19,500 पर सीट, 19,000 पर सीट बिफोर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट सर। और अभी जो ऑफर प्राइस है दैट इज 16,000 पर सीट सर। चलिए ठीक है, हमने कहा था कि प्राइस हम सीधा बताएंगे, अभी एस्थेटिक्स एंड प्राइस बताएंगे। मटेरियल आपने ऑलरेडी एक बार एस्टैब्लिश कर दिया जी सर, बस अब जो रह गया था वो था कॉम्पोजिट ऑनेक्स या ऑनेक्स। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेबल टॉप के लिए। जी सर, ठीक है, अब उसमें देखिए स्क्वायर टेबल है और इसमें रेक्टेंगुलर है, क्यों ऐसा सर? इसके साथ हमने ना इसके साथ एक्चुअली सोफा भी एक अधूरा लगाया हुआ, इसके साथ एक टू सीटर है और दो एसेंट चेयर इसकी, ये देखिए बहुत सुंदर एसेंट चेयर है सर ये। अच्छा अच्छा, इसकी एसेंट चेयर अगर आप देखेंगे ना, बहुत सुंदर एसेंट चेयर है सर, सारी टीक वुड के अंदर है, सारी हैंड कार्विंग है, पॉलिशिंग इसकी, जकार्ड और इसका कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कंप्लीट सोफे से मैच करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको ना रेक्टेंगुलर रूम की शेप आएगी, तो इसमें हमें टेबल का साइज जो लंबा चाहिए। Right. तो इसके अंदर हमारे पास 7-सीटर था, तो 7-सीटर के अंदर हमें 3.5x3 के टेबल मोर देन इनफ है, इसलिए हमने इसमें ये साइज रखा है सर। ओके ओके ओके, सो देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, कितने सारे वीडियो कर लिए लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। उसमें आप बता रहे हैं कि स्क्वायर शेप का सेटअप आएगा, इसमें रेक्टेंगुलर शेप आएगा, इसलिए रेक्टेंगुलर शेप की इसमें टेबल है। चलिए इसमें दो चेयर और आगे ना, तो सर अप्रोच इजी हो जाती है हर किसी के लिए टेबल की। चलिए अभी हमने नया बनाया, अगर आप इसकी शेप भी देखेंगे ना दैट इज इन बकेट शेप, हगिंग शेप है थोड़ा सा, इसकी आर्मरेस्ट ब्रॉड है और पीछे से थोड़ा जाके स्लीक हो जाता है। इसकी शेप आप गद्दी की भी देखेंगे सर, आगे से जो है थोड़ी सी स्टाइलिश कटिंग के अंदर है। अच्छा। पूरा सोफा टीक वुड के अंदर है, गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर पॉलिश है, किसी में शैंपेन होती है, किसी में सिल्वर होती है, इसमें गोल्डन के अंदर हल्का सा ब्राउन टिच दिया हुआ है। अच्छा। क्योंकि बल्कि सोफा है तो नेचुरल सी बात है सर, बड़ा रूम चाहिए इसके लिए। ठीक है। और बड़ा रूम जिनके पास होगा, बड़े रूम के अंदर डार्क कलर की पॉलिश बहुत अच्छी लगेगी सर। बिल्कुल, वो छोटे रूम के अंदर अगर हम डार्क कलर की पॉलिश का सोफा डाल देते हैं, डार्क फैब्रिक का सोफा डाल देते हैं, वो रूम को और छोटा कर देगा। ठीक है जी, ये बड़े रूम के अंदर ये बहुत अच्छा लगेगा सर। चलिए आज बहुत सारे टिप्स हैं आपसे, और भी सारे हम इस तरह के टिप्स लेंगे। इसका क्या प्राइस है सर? इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज 26,000 पर सीट, पूरा सागवान के अंदर है। इसमें हैवीनेस इतनी है कि इसके आर्मरेस्ट के ऊपर भी पूरा एक सागवान का गोला चला हुआ सर। बिल्कुल, ये आपने जो डिस्काउंटेड प्राइस बताया, नहीं डिस्काउंटेड सर अभी बताऊंगा, दैट इज 21,500 पर सीट सर। चलिए, इसके लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो बहुत इंट्रिकेट एंड लेस मेंटेनेंस कार्विंग चाहते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है जी सर, क्योंकि आपको ज्यादा इंट्रिकेसी नहीं है और आराम से आपके ये क्लीनिंग इजी है। ये सेमी कार्विंग के सोफों की कैटेगरी आए थे। अच्छा। कई कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको कार्विंग तो पसंद है, बट एक इशू क्या आता है कि भी वो मेंटेन करने में बड़ा डरते हैं कि तो इसमें डस्ट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए इस टाइप के सोफे आते हैं सर। ये सेमी कार्विंग की कैटेगरी है। इस डिजाइन के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी मेरे पास 3 से 4 डिजाइन है, अभी हम उसको दिखाएंगे, बट इसके अंदर भी सर 100% टीक वुड का काम है, कोई भी सिंगल पीस इसके अंदर फाइबर या रेजिन नहीं है, सारा टीक वुड के अंदर ये सोफा भी बना हुआ सर। चलिए, इसकी वैसे मेंटेनेंस के बारे में हम बता दें, जब भी आपको लगता है कि आपको डाउट होता है कि इसके अंदर डस्ट कलेक्ट हो जाएगी, वेरी सिंपल, आप सिर्फ ब्लो कर दीजिए, आप सारी डस्ट निकल जाएगी, ब्लोअर आता है, ब्लो कर दीजिए एक बार, तो ये डस्ट आप वैक्यूम क्लीनर मारिए साफ हो जाएंगे, है ना जी सर। ठीक है, डन। इसमें थोड़ा सा मैट गोल्ड है, गोल्ड नहीं है इसमें जी सर, पॉलिश में नहीं, ये है शैंपेन के अंदर थोड़ा सा इसको एंटीक, इसमें ब्राउन का टच दिया हुआ है सर। अच्छा, एंटीक गोल्ड किया जी 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 सर। ठीक है, डन। अब जैसे सर ये सेमी कार्विंग का सोफा है, वो फुल कार्विंग का सोफा है, फुल कार्विंग का प्राइस फुल कार्विंग के अकॉर्डिंग होगा, सेमी कार्विंग का जो सोफा होगा वो सेमी कार्विंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डन। ये जो सोफा है 3+2+2 चेयर, 7-सीटर सोफा है, चेयर एसेंट सोफे के अंदर ही हमने कैलकुलेट की हुई है, जो इसका प्राइस है 1,32,000 इसका रेगुलर प्राइस है सर, बट जो अभी ऑफर प्राइस है दैट इज 1,04,000 सर। ठीक है, डन। आगे चलते जाते हैं, एक छोटा सा टिप शेयर करेंगे, जो आप जो इसके कारपेट ले रहे हैं आप, वो भी कलर मैच कर लें, लेकिन मॉडर्न कारपेट ना लें, इसके लिए थोड़े क्लासिक कारपेट लें। चलिए, अब मेरे को जो सवाल पूछना था उसके लिए एक जगह आ गई है, अब आपसे बात करेंगे। हमने जब वो सिल्वर देखा था ना, मोहित जी प्लीज कम दिस साइड जी, देखिए आप
कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, मटेरियल के बारे में? सर अगेन ये भी सेमी कार्विंग का सोफा है, बहुत सॉफ्ट जकार्ड लगा हुआ, आप इसका भी फील देखेंगे, निर्मल का फैब्रिक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसके अंदर ड्यूअल शेडेड, इसके अंदर स्वेड वेलवेट लगा हुआ है, कलर ऑफ व्हाइट से थोड़ा सा हटके ब्रेक कर दिया है, शैंपेन कलर के साथ इसको मर्ज किया गया सर, जो लुक उसको और भी निखार दिया उसके लुक को। बिल्कुल, अब एक छोटा सा टिप दे देंगे जी कि जब भी आप सिल्वर कलर की पॉलिश चूज करते हैं तो उनके कलर्स आइडेंटिफाइड हैं, जैसे पिंक है और लाइट ब्लू है, ये सारे सिल्वर के साथ पीच है, ये अच्छे दिखाई देते हैं जी। जो बेज है, जैसे बेज गोज टू द गोल्ड साइड जी, तो उसके साथ गोल्ड अच्छा दिखता है जी सर। चलिए, क्या प्राइस है इसका? ये भी सेमी कार्विंग का सोफा है सर, 3+2+2 सेवन सीटर सोफा, 94,500 है एंड आफ्टर डिस्काउंट दिस इज फॉर 77,000 सर। तो वो भी ना जैसे लेडीज के अंदर लिपस्टिक के अंदर बड़े ऑप्शन होते थे ना कि ये बेबी पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये रोज पिंक है, अब इसके अंदर भी ये हो गए, ये गोल्ड है, ये पेल गोल्ड है, ये शैंपेन गोल्ड है, मैं इसके अंदर भी ये सारी चीज वैरायटी आती जा रही है। अच्छा, इसीलिए आप हंस रहे थे? हाँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा हंसी आ गई, वो बात याद आ गई थी एक्चुअली। चलिए, ये वैसे हम लोगों को बता देते हैं कि जब भी आप बेज की तरफ जा रहे हैं तो गोल्ड ले लें, और आप लाइट टोन की तरफ जा रहे हैं जैसे पिंक पीच वगैरह या व्हाइट या सिल्वर, तो फिर आप सिल्वर पॉलिश जी सर। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग, बहुत शाइनी है ये तो सर। ये शाइनी लाइट की वजह से भी लग रहा है, अदरवाइज ये सोफा हमारा वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा कवर हुआ है और सबसे ज्यादा हमने सेल भी किया सर। बिल्कुल ठीक बात है। इस बार हमने थोड़ा सा इसका फैब्रिक का प्ले किया है कि हर कोई सोफा डल ना लगे, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा खिलाव चाहिए था, हमने सिर्फ कपड़े का प्ले किया है सर। ओके, इसके देखिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह का जो लिटअप है गोल्ड लाइट के साथ, लाइट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जी आपके फर्नीचर यूनिट में। हम सबको बोलेंगे आप ले जाने के बाद में को आपको हो सकता है कोई सोफा अजीब लगे जी, क्योंकि उसमें लाइट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे उसके ऊपर आपने व्हाइट लाइट डाली हुई थी, इसके ऊपर वॉर्म व्हाइट डाली हुई है जी, तो वॉर्म व्हाइट से दिस हैज कम आउट वेरी वेल, अच्छा दिख रहा है, बहुत गोल्डनिश लुक आ रहा है सर, बहुत अच्छा खिल के आया सोफा, बहुत अच्छा है ये। चलिए ठीक है, लाइट की भी इंपॉर्टेंस हमने बता दी, इसका प्राइस बता दे फिर आगे चलते सर। 1,05,000 का ये 7 सीटर सोफा है एंड द ऑफर प्राइस इज 87,500। ओके, और इसकी टेबल भी हम देखते हैं, टेबल भी इसकी बहुत सुंदर है, टेबल के अंदर इसकी जाली जितनी भी कटी हुई है दैट इज आल्सो ऑन टीक वुड। नॉर्मली जाली जो कटिंग होती है वो MDF या SDHMR पे होती है, इसकी जाली भी टीक वुड के अंदर है सर। चलिए, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है टेबल का, 26,000 ऑफर प्राइस सर। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि इसमें फैब्रिक थोड़ा हेवी है ना, इसलिए मेरे ख्याल से कार्विंग थोड़ा लाइट रखा गया है। जी तो सर, ये भी सेमी कार्विंग की कैटेगरी में है सर सोफा। ओके, अब क्या दिखाएंगे सर? एक और सोफा है हमारे पास, ये जो हम मॉडर्न के आप बात कर रहे थे ना कि वॉलनट फिनिश के अंदर सोफा आ जाता है कार्विंग का, ये जो टेस्ट है ये वैसा ही है सर, ये सोबरनेस की तरफ ज्यादा आ जाता है कि कोई कस्टमर चाहते तो है कार्विंग का, बट कार्विंग के अंदर उन्हें ज्यादा गोल्ड या तड़क भड़क नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से ये बहुत परफेक्ट सोफा है सर। ठीक बात है, इसका क्या प्राइस बताएंगे? 98,000 है सर, 14,000 रुपए पर सीट, जो अभी ऑफर प्राइस के अंदर है, दिस इज फॉर 11,000 पर सीट, 77,000 का सोफा है सर। और जितने भी प्राइस बता रहे हैं हम, ये सारे अवेलेबल यूनिट्स नहीं है, कस्टमाइजेबल होने के बाद है? नहीं सर, ये तो सब में इनमें कस्टमाइजेशन भी, अगर कोई चाहता है सेम प्राइस के अंदर कस्टमाइज भी होगा सर। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अब क्विकली एक दो चीजें और दिखा दें। एक कार्विंग की डाइनिंग मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पे सर, ये इसी के कंसेप्ट की है एक्चुअली, ये कंसेप्ट इसी का है, बट थोड़ा फैब्रिक का इस बार डिफर हो गया है। तो ये सेंटर पिलर के अंदर है, शैंपेन कलर की पॉलिश है, सॉफ्ट इसके पीछे फैब्रिक है, प्रिंटेड है, आगे वेलवेट लगा हुआ है सर, 6x3.5 कंपोजिट ऑनेक्स विद पॉलिस्टर कोटिंग। ठीक है, एक्चुअल प्राइस 1,25,000 रुपए था सर, अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज 98,500 सर। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अब थोड़ा सा डाइनिंग दिखाएंगे हम, और डाइनिंग के बारे में बहुत कम लोग इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो हमने सीखा है वो सीखे। जी सर, एक डाइनिंग टेबल का जो साइज है, जो जितना लग्जरी होएगा उतना टॉप बड़ा होता जाएगा, फोर लेग भी हो सकती हैं और सेंटर बेस भी हो सकती हैं, राइट? चलिए बताइए। ये सर हमने एक नया डिजाइन बनाया है, मॉडर्न के अंदर है, थोड़ा सा 8-seater डाइनिंग है, साइज जो है दैट इज 92x42 7.5x3.5 टॉप साइज है। ये मॉडर्न घरों के हिसाब से कईयों की रिक्वायरमेंट होती है 8-seater, अब 4 leg है, आप देख सकते हैं सर सारी चेयर इसके अंदर है, सारी चेयर अंदर है। अब इसकी हम बात करें कि हमने इसके अंदर लेग के अंदर क्या मैचिंग किया सर, ये देखिए सर। अरे वाह, हमने इसका जो एक ये गोले का कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड लूवर डिजाइन आई थिंक, फ्लूटिंग फ्लूटिंग का डिजाइन हमने डाइनिंग की बॉर्डर पे दिया है, डाइनिंग के लेग पिलर में दिया है, और सेम हमने फ्लूटिंग का डिजाइन डाइनिंग चेयर पे दिया है, पिस्ता ग्रीन कलर। इसको कलर चूज करने का कारण ये है, ब्राउन इज यूनिवर्सल, इसके अंदर व्हाइट भी आ सकता था, बट ये कलर इसलिए लिया है, थोड़ा सा ना सारी ब्रेक कलर की मोनोटोमी को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में? सर 1,48,000 इसका एक्चुअल प्राइस था, जो अभी ऑफर के अंदर 1,28,000 का सर। नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे सर? अभी मैं एक डाइनिंग और दिखा रहा हूँ आपको 8-seater। ये बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की डाइनिंग है सर, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सुपर लग्जरी के अंदर आएगी सर।
इसका मार्बल जो है सर ये नेचुरल स्टोन है, नेचुरल ऑनेक्स मार्बल है सर, विद पॉलिस्टर कोटिंग है, एंटी सोकेबल है, कुछ भी चीज इसके ऊपर सोख नहीं होगी, चाहे हल्दी का निशान हो या कोई ऑयल का निशान हो। अगर इसकी चेयर की मैं बात करूँ सर, इसकी चेयर बुकले फैब्रिक के अंदर चेयर है सर, पॉलिस्टर कोटेड है, पॉलिस्टर का एक इसके पीछे देखिएगा सर, पीछे बहुत ही सुंदर डिजाइन इसके पीछे बना हुआ है। काफी चेयर्स ऐसी होती है जिसके पीछे कभी पूरा क्विल्ट कर देते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, पीछे से पूरा छोड़ ही देते हैं। हमने इसको क्विल्ट भी दिया है सर, हल्का सा फैब्रिक का काम भी किया, पॉलिश का काम भी किया और इनले का काम भी किया। ठीक है, ये थीम के हिसाब से देखें तो न्यू क्लासिकल और मॉडर्न कंटेंपरेरी होम्स में जाने वाला है। जी सर, अब मैं इसकी एक बार बेस की तरफ जाऊंगा, आप बेस दिखाएं इसका। इसका बेस पॉलिस्टर की डाइनिंग के अंदर मैं कहूंगा सर, अभी तक आपके पास ये किसी कीर्ति नगर की किसी भी वीडियो के अंदर मैंने ये बेस नहीं देखा। बहुत हैवी बेस है, जितना मार्बल के अंदर वजन है एटलीस्ट उसका आधे से ज्यादा बेस के अंदर वजन है सर। बहुत स्टर्डी बेस है, बिकॉज मार्बल इसका नेचुरल है, नेचुरल मार्बल है, 8 सीटर डाइनिंग है, वजन बहुत ज्यादा हो गया, अगर उसके नीचे हम हल्का बेस लगा देंगे तो बेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा सर उसका वजन। तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ मैच होनी चाहिए। जी सर, साइज भी इसका थोड़ा सा बड़ा है, जैसी लग्जरी सेगमेंट की डाइनिंग सेट्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। जी सर, 6 सीटर है ये, मतलब ये 8 सीटर है सर, और इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका साइज है बड़ा सर, चाहिए तो वो भी बन सकता है, लेकिन उसमें जॉइंट आएगा। हाँ, नेचुरल मार्बल की सर एक्चुअली लेंथ मैक्सिमम 19 इंचेस ही आती है। चलिए, उसके बाद अगर कुछ करना होता तो फिर यहाँ पे स्टील के लाइन का इनले दे के या कोई ज्वाइंट दे के वो मार्बल बनता सर। ठीक है, डन। इसमें थिकनेस में आप जा सकते हैं, इसकी थिकनेस जो है रेजर थिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा टेबल है। जी सर, वरना इसको पतला रखते हैं। क्या प्राइस है इसका सर, और अभी क्या प्राइस है इसका? अभी जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 2,49,000। नया आर्टिकल है सर, फ्रेश अराइवल है, अभी फर्स्ट टाइम ही लॉन्च किया हमने ये, बट इसको भी अभी हमने ऑफर में डाला है, 2,19,000 का है सर। ऑलराइट, चलिए ठीक है, डन। ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्विकली सोफा का प्राइस बता दीजिए सर। ये हमारा रेगुलर सेलिंग मॉडल है, हर वीडियो के अंदर आया, अच्छा बिकता है। 63,000 का सोफा है सर, 7 सीटर का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी डिस्काउंट के बाद जो 52,500 का है सर। चलिए, दिस डिजाइन हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन दिल्ली। यस सर, है ना? यस सर। Okay. ये भी सोफा बहुत अच्छा बना है सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये डिजाइन टर्की का है और इसको सारी जगह अभी बनता जा रहा है। हमने इसको सोफे को बहुत हैवी कपड़े के छोटा सा थोड़ा सा क्रेडिट हम ले लेते हैं। हम जब टर्की गए थे तब हमने इसको इंस्टाग्राम पे किया था, उसके बाद से लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ। okay. और जिन्होंने शुरू किया था जी, उन्होंने हमको बोला भी इस बात को। ओके, ठीक है, चलिए बताइए मुझे। तो सर ये भी आपने देखा होगा, लेग्स के सारे सिंगल सिंगल पीसेस लगाते थे, हमने इसको पूरा ज्वाइंट करके सिंगल पीस में बना दिया इसको। अच्छा, इसका रीजन ये है कि किसी कस्टमर को हमने पहले अलग अलग बना के दिया था तो उनकी एक कंप्लेन थी कि ये शेक कर रहा है। अब ये सारी कंसेप्ट ही खत्म हो गई, कोई कंप्लेन नहीं आएगी शेकिंग इसके अंदर। चलिए, क्या प्राइस था इसका? हमारा एक्चुअल प्राइस था 10,500 पर सीट, जो अभी ऑफर के अंदर है 8,500 पर सीट सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, अब जाएंगे लग्जरी सेगमेंट की तरफ। यस सर, एक और है, ये भी प्रीमियम डिजाइन का सोफा विद वेरी नाइस विनियर, चारों तरफ इसके विनियर है। यस सर, ये पॉलिस्टर के अंदर है, टेपर सोफा इसको बोलते हैं, सारा मापा विनियर है, स्टेनलेस स्टील का इनले विद पॉलिस्टर कोटिंग है, फैब्रिक भी इसके अंदर अच्छा लगा हुआ है, 40 डेंसिटी की हार्ड फॉर्म लगी हुई है सर। और ये भी हमने बहुत अच्छी बुकिंग की है, इसकी भी सोफे की रेगुलर बिकता रहता है सर। ये क्या प्राइस रेंज? 22,000 इसका पर सीट रेगुलर प्राइस है, बट जो अभी प्राइस है दैट इज 17,500 पर सीट सर। मुझे सेंटर टेबल बता दें यहाँ पे इन दोनों का प्राइस क्विकली। सर ये सेंटर टेबल 65,000 की थी, 1+1 का सेट है, और अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज 54,000 ओरिजिनल ऑनेक्स के साथ। ओरिजिनल ऑनेक्स के साथ। और ये वाला? ये वाली 54,000 की थी, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट 44,000 सर। चलिए, सर ये ऑनेक्स है, ये लोअर पैनल है। अच्छा, और सेम लोअर पैनल हमने वहाँ पे रिपीट किया है। ग्रेट। और देखिए, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टिप मिल गया हमको। जी सर, इस तरह के माल आप ऑनेक्स के मार्बल जो है शीट पीछे लगा सकते हैं अगर आप क्लासिक फर्नीचर ले रहे हैं। जी सर, ये जो कार्विंग फर्नीचर आप दिखा रहे थे ना अभी, हाँ, उनके साथ बहुत अच्छा जाएगा ये। अब सर मजे की बात मैं आपको बताऊं। जी बताइए। सर ये सारा वॉलपेपर है। लोअर भी? यस सर, ये सारा वॉलपेपर है। अच्छा, अरे वाह, 3D वॉलपेपर है। यस सर, ये कस्टमाइज है सर, ये सारा 3D है। ये दूर से अगर आप देखते हैं ना, आपको सारा यही लगेगा कि ये सारा लोअर पैनल का काम किया हुआ है। आपके एक्सपेंसिव लोअर से हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आप हम क्विकली दिखाएंगे। और ये है हमारा कॉम्पोजिट ऑनेक्स। क्या प्राइस है? कॉम्पोजिट ऑनेक्स सर, पॉलिस्टर फिनिश के अंदर डाइनिंग है, पॉलिस्टर चेयर, पॉलिस्टर का बेस है सर, और मार्बल भी विद पॉलिस्टर कोटिंग है, 6x3.5 का टॉप साइज, रेगुलर हम लोग 1,48,000 रुपये के देते हैं, अभी जो प्राइस है 1,21,000 रुपये सर। ठीक है, इसकी भी डिटेलिंग नहीं दूंगा, सेम चीज़ है सर, सब कुछ पॉलिस्टर कोटेड है, मार्बल चेयर बेस सब कुछ है, प्राइस इज ऑल्सो सेम 148, आफ्टर डिस्काउंट 121 सर। चलिए, मेरा वो शो स्टॉपर मेरा फेवरेट है वो टेबल, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे फैन ऑन है तो थोड़ा हमिंग साउंड आएगा, लेकिन हम लोग गर्मी में काम नहीं कर सकते। जी सर, थोड़ा मुश्किल होता है,
जल्दी से मुझे बता दें इसका प्राइस। फिर वो शो सर टीक वुड के डाइनिंग है, जितने भी सारे साइज होंगे 6x3 के होंगे, मार्बल सबके अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर सबका टीक वुड होगा, साइज 6x3 का होगा, प्राइस सबके अलग होंगे। मैं बता देता हूँ इस स्पेसिफिक डाइनिंग का सर प्राइस है दैट इज 69,000 ओनली सर, आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट ये फ्लैट प्राइस है सर। ओके चलिए, उस पे अच्छे वाले एक और है यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट के, उस पे भी आएंगे हम। जी सर, फिलहाल हम पहले ये दिखाएंगे आज। जी सर, ये नैनो के अंदर है सर, नैनो टाइल का कंसेप्ट है, 6x3। अच्छा, फुल बॉडी टाइल होती है? यस सर, ये फुल बॉडी टाइल है। ओके, और इसका भी जो प्राइस है दैट इज 65,000 ओनली सर, 6x3 फुल टीक वुड के अंदर। ठीक है, डन। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं अभी हम। सर सेंटर पिलर के अंदर है, फुल कवर डाइनिंग चेयर, 6x3 साइज, 74,500 सर। अगेन 6x3, दिस इज कॉल्ड डॉलर वाला डिजाइन, फ्लैट 64,000 विद ऑनेक्स सर। चलिए ठीक है, डन। इसकी चेयर बहुत स्टाइलिश है सर, चेयर इसकी लेविश है, साइड में भी इसमें टीक वुड का डिजाइन है और ऊपर भी हैंडल का कंसेप्ट दिया हुआ है। टॉप साइज 6x3 डायना मार्बल के साथ है, 85,000 था इसका एक्चुअल प्राइस, नाउ 68,000 सर। ठीक है, अब ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है मेरे टेस्ट का, जिनके पास स्क्वायर रूम होते हैं वो लोग सर्कुलर लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, आई लाइक दिस वन। ये थोड़ा सा अपर जाता है, क्योंकि मुझे पसंद आती है, थोड़ी महंगी होती है। सर आपका टेस्ट अच्छा है, आई होप सो, आई लाइक यू। सेम हियर सर। सर ये 1+6 सीटर डाइनिंग है, 5x5 का राउंड टॉप है इसके अंदर, ठीक है, और इसका सेंटर पिलर है, 6x6 चेयर इसकी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अंदर चली जाती है सर। ठीक है, राउंड डाइनिंग टेबल्स आर नॉट फॉर एवरीवन, यू हैव टू हैव अ स्क्वायर रूम और यू हैव टू हैव अ लार्जर साइज ऑफ अ रूम। यस सर। ओके, प्राइस इज 118,500 एंड नाउ द ऑफर प्राइस इज 98,000। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग पैटर्न यू हैव क्रिएटेड। यस सर, टेल मी द प्राइस ऑफ दिस वन, देन वी विल गो। सर दिस इज लो बैक चेयर एंड सेंटर बेस, इसका सेंटर बेस भी बहुत अच्छा है, टीक वुड का है, और जो एक्चुअल 6x3.5 साइज इसका है, नॉर्मल 6x3 है, इसका 6x3.5 है सर, पॉलिएस्टर कोटेड ऑनेक्स, एक्चुअल प्राइस वाज 98,000, द ऑफर प्राइस इज 84,000 सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, व्हेन यू वांट टू क्रिएट सम लग्जरी, यू वांट टू क्रिएट सम स्टाइल एंड पैटर्न, देन आई थिंक द टॉप इज द ओनली प्लेस वेयर यू शुड पे अटेंशन टू, डाइनिंग टेबल टॉप इज द लार्जेस्ट piece in the dining space. Yes sir. So make sure it is properly done. Like for example, this one has got 3 different elements, mother of pearls, metal and also this has got composite onyx. Yes sir. अब सर इसका भी मैं प्राइस बताऊंगा आपको, आप देखेंगे इसके अंदर बहुत काम किया हुआ सर, कार्विंग है इसके अंदर, ऊपर पूरा क्राउन कार्विंग का है, डाइनिंग की टेबल की लेग्स कार्विंग के अंदर है, डाइनिंग की बॉर्डर लेग्स कार्विंग में है, चेयर कार्विंग में है, बेस्ट पार्ट नॉर्मल चेयर के अंदर आपको कभी भी नहीं दिखेगी, बैक के अंदर सर क्विल्टेड है। अच्छा, पूरा स्टफ क्विल्टिंग है सर, 2.5 इंच की फोम लगा के पीछे बैक में किया हुआ सर, अदरवाइज बैक में कोई कुछ नहीं लगता किसी भी डाइनिंग के अंदर। ये तो रेडीमेड फैब्रिक होता है सर? नहीं नहीं सर, ये भी स्टिच्ड है, ये भी स्टिच्ड है सारा सर, बट ये है कि फोम नहीं लगती इसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर पूरी 2-2.5 इंच की फोम लगी हुई है सर। ये इसका प्राइस, अब इसका प्राइस भी आपको सरप्राइज करेगा सर, 98,000 का इसका प्राइस था, जो अभी 85,400 फ्लैट प्राइस है सर। चलिए ठीक है, डिस्काउंट का आपका बड़ा रैशनल डिस्काउंट होता है, बड़ा बैलेंस तरह का डिस्काउंट होता है, ये मुझे 100% कंफर्म है कि इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है सर, ये आर्टिकल एज पर डिस्प्ले आएगा सर, 118,000, 2m x 1m का साइज, चेयर के अंदर दो ऑप्शन है, वेदर यू कैन गो विद लाइट कलर और डार्क कलर। ऑलराइट, द अदर डार्क कलर यू मीन इज अ ग्रे कलर? यस सर, द प्राइस इज 91,000 फ्लैट सर। ठीक है, डन। हाउ मेनी यूनिट्स आर लेफ्ट विद यू? वी हैव 2 यूनिट्स। ओके चलिए, वी कैन टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, ये दिस इज द नेक्स्ट वन राइट? यस सर, दिस इज द नेक्स्ट वन, द डिफरेंस इज ऑफ ओनली चेयर। ओके, इसके अंदर डाइनिंग टेबल सेम होगा, जो बेस जो चेयर का डिजाइन है, चेयर विल बी डिफरेंट ओनली सर। ठीक है, डन। ऑलराइट सर, वी हैव लेफ्ट दिस वन, ये बहुत अच्छा डाइनिंग है, टीक वुड के अंदर है, ग्रे के साथ, अब इसके अंदर वेगस गोल्ड मार्बल दिया हुआ है, दिस इज नेचुरल इटालियन मार्बल विद पॉलिएस्टर कोटेड, बट द प्राइस इज 73,000 सर। ऑलराइट डन, ये वो डिजाइन में से एक है जो टाइमलेस है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, लेकिन ये डिजाइन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ सर। इसका रीजन है, ये चलता इसीलिए रहेगा, आज एक मेंटेलिटी बनी हुई है, एज अ कस्टमर अगर मैं भी सोचूं कि अगर फुल कवर चेयर होगी और मैं उसको यूं पकड़ूंगा खाना खाते हुए, टेबल बेस, टेबल बेस 4 lakhs, दैट इज सेफ सर, 4 lakhs एंड दिस टेंपल एंड दिस राउंड थिंग्स, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, यस सर, वेरी ट्रेडिशनल क्लासिक स्टाइल, जी सर, ये 4 years टुगेदर दिस इज राइट इन द मार्केट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, माय फेवरेट, आई लव दिस वन बिकर, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, बट आर्टिस्टिक पीपल, आई नो दैट आई एम सेइंग दैट आई एम एन आर्टिस्ट, बट आई लाइक दिस बिकॉज विकर है। वोटे क्या प्राइस है सर? फ्लैट प्राइस 45,500 सर। दिस इज इम्पोर्टेड? यस सर, फ्लैट प्राइस 51,000 सर। ओके, एंड दिस वन अगेन पॉलिस्टर के अंदर है, अब इसके चेयर के अंदर थोड़ा सा फर्क क्या आ गया, इसके अंदर जो है सर एमओपी का फीलिंग है,
नॉर्मली हर चेयर के अंदर स्टेनलेस स्टील का फील होता है, ये एमओपी की फिलिंग की हुई है सर। ओके, तो ये जो डाइनिंग है दैट वाज फॉर 151,000। इसका डाइनिंग का बेस भी सेंटर पिलर के अंदर है, दो पिलर इसके अंदर है, हम बेस नहीं दिखा पा रहे स्पेस कंसिस्टेंसी की वजह से। तो इसका जो अभी ऑफर प्राइस है दैट इज 128,000 सर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नाउ माय फेवरेट टॉप, मैंने बोला था लास्ट में दिखाएंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑनिक्स, मुझे ऑनिक्स और रियल स्टोन बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि वो मैनमेड नहीं होते, मिलियंस ऑफ इयर्स, यस सर, मतलब लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, उसके बाद में ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम माउंटेन्स एंड हिल्स, उसके बाद में फिर इनके ऊपर पॉलिश होती है, इनका ट्रीटमेंट होता है, तभी हमारे पास पहुँचते हैं जी। आई जस्ट लव इट, सी मैनमेड मैनमेड प्रोडक्ट्स में और मशीन मास प्रोडक्शन में और नेचुरल प्रोडक्ट्स में यही फर्क है जी सर। इसके अंदर ग्रेन सर हर मार्बल के अलग निकलेंगे, बिल्कुल ये नेचुरल सी है, कस्टमर बोलते हैं, कई बार होता है ऐसा भी कस्टमर देख के ये ग्रेन्स गए और निकल गए, दूसरे तो कस्टमर को समझाना पड़ता है सर नेचुरल मार्बल है, हर मार्बल के ग्रेन्स देख रहे हैं ये दीज वेन्स पीपल, आई मीन आई लव इट, आई मीन दिस इज हाउ यू मेक टैटू सर। इन्हीं आर्टिकल्स के पीछे कई बार होता गया, कस्टमर कहते हैं ये मार्बल डैमेज था, इसको फिल कर दिया गया, इसको ऐसा, बट ये मैं कस्टमरों को क्लियर ही, जैसे अब आप बता रहे हैं सर ये सारे ग्रेन्स हैं इसके जितने भी आते हैं इसके अंदर, आई लव इट, आई मीन पीपल लुक फॉर दीज काइंड ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क होता है मोजी जी, तो वाई हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी इज मोर पॉपुलर देन मशीन मेड, बिकॉज उसमें अनइवननेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल, यू विल नॉट फाइंड ऑल द पेटल्स ऑल द फ्लावर्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप, देयर विल बी अ वेरिएशन एंड यू नो दैट वेरिएशन इज ब्यूटी, यस सर, द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट ब्यूटी, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, या आई विल टेल यू द प्राइस फॉर दिस डाइनिंग टेबल, श्योर श्योर प्लीज गो अहेड, एवरीथिंग इज सेम, द डिफरेंस इज ऑफ ओनली मार्बल, द एक्चुअल प्राइस वाज 165,000, द ऑफर प्राइस इज 139,000 ओनली सर, विद द सेम मार्बल, विद द सेम मार्बल टाइगर ओनेक्स, करेक्ट, यस कूल, देयर इज वन टिप देन विल गो टू द नेक्स्ट वन, जब भी आप अपना टेबल टॉप डिसाइड कर रहे हैं डाइनिंग टेबल टॉप और सेंटर टेबल साथ में रखी हुई है जी, तो इट इज पर्सनली बिलीव्ड बाय द डिजाइनर्स कि वो दोनों सेम मटेरियल में होना चाहिए जी सर, राइट, जो आपका डाइनिंग टेबल है वही सेंटर टेबल पे जाना चाहिए, राइट ना जी सर। चलिए अभी चले, यस सर, ओके, ये वाला हमारा एक रह गया, इसको दिखा दे, मिड सेंचुरी डिजाइन का यहाँ पे वो है चेयर्स, लो हाइट चेयर है सर, 7x3.5, 8 सीटर साइज है, लगभग सारी चेयर अंदर चली जाती है, एक्चुअल प्राइस इज 128,000, ऑफर प्राइस इज 98,000 सर, ठीक है, ये स्विल के साथ है क्या, यस सर, इसका चेयर जो है इसका स्विल होता है थोड़ा, ये इम्पोर्टेड आर्टिकल है सर, अच्छा जी, इसका फ्लैट प्राइस है सर, लास्ट पीस है इसका 78,000 सर, इसके बाद आप नहीं लाएंगे, नहीं सर, ओके, इम्पोर्टेड से ज़्यादा बेटर है सर, इंडियन के अंदर ना कुछ चेंज करते रहिए, उसके अंदर एटलीस्ट हम लोगों का खुद का माइंड भी सेट रहता है कि भी हाँ इसमें हम ये प्लान कर सकते हैं या ये चेंज करके देख सकते हैं सर। पिछले कुछ दिनों 6 या 7 महीने बहुत स्लो आया था जी सर, एंड सेंटर टेबल और डाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ उसके अंदर मिस्टेक्स भी थी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों ने दी जी जी जी, हमने तो कोशिश की कि हम कई सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये मैनमेड मार्बल होता है, लाइट से इसकी कोई गारंटी नहीं होती पहला, दूसरी बात है इसकी लाइफ कंपेयर टू नेचुरल मार्बल बहुत फर्क होता है जी सर, स्ट्रेंथ में बहुत फर्क होता है, ऐसा नहीं कि दोनों बराबर होते हैं। चलिए बात करेंगे अब इसकी, सर ये 4 सीटर डाइनिंग है, 5x3 टॉप साइज है, टॉप साइज नॉर्मली 4 सीटर का 4x3 होता है, इसका बड़ा साइज लेने का कारण है इसकी चेयर हेल्दी है सर, नॉर्मल अच्छा। चेयर से बड़ी अच्छी कंफर्टेबल चेयर है, इसका भी हमने फ्लैट प्राइस रखा हुआ है 58,000 सर। चलिए ठीक है डन, तो आप जब भी इस तरह से लें तो एक मोजी ने अच्छा बातों में टिप कह दिया कि अगर आपका जो टेबल साइज है और आपका जो चेयर साइज है जी, उनका रेशो मैच होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल लगने चाहिए, बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी सी टेबल के साथ बड़ी सी चेयर, अब इसी के अंदर 4:3 का अगर मार्बल होता बेस और छोटा हो जाता चेयर अंदर ही नहीं जाएंगे सर, सारी चेयर बाहर रह जाएंगे, बिल्कुल ये प्रैक्टिकलिटी है सर, इसको अगर हम देखेंगे इसको फॉलो करेंगे तभी हमारे रूम स्पेस प्रॉपर हम कंज्यूम कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे उसको सर। तो यहाँ पे क्या देखेंगे मोजी सर, यहाँ पे मैं आपने दिखाऊंगा बेडों का कलेक्शन है, ठीक है, बेड के अंदर कुछ न्यू अराइवल्स भी हैं, कुछ रेगुलर बेड्स भी हैं जो हमने सेल करना है, बट ऑफर प्राइस सबके ऊपर है सर। चलिए किंग साइज बेड है, एक बार स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, किंग साइज बेड साइड टेबल के साथ, और ये जी सर विद स्टोरेज, विद सारे विद स्टोरेज है, सबके डिजाइन अलग मिलेंगे, सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ डिजाइन एलिमेंट चेंज मिलेगा सर। चलिए प्राइस मैं हर बेड का फ्लैट प्राइस बताता जाता हूँ सर, बिकॉज जितने भी बेड्स हैं सबके ऑलमोस्ट बेसिक प्राइस हर कस्टमर को मालूम है सर। बताइए सर, 41,000 का बेड विद साइड टेबल, सेकंड बेड इज दिस सेम प्राइस 41,000 सर, ठीक है, दिस इज विंग्स डिजाइन, इसकी साइड टेबल बड़ी आर्टिस्टिक है सर, सेम प्राइस 41,000 सर। चलिए विल फॉलो यू, और जो हमारा फेवरेट है वो भी हम दिखाएंगे, ये न्यू एडिड है सर हमारे, इसमें 65,000 का था बट अभी ऑफर में 52,000 है सर इसका, ठीक है, ये विद ऑटोमन है सर, अच्छा विद ऑटोमन जी सर, ओके ओके,
मेरा फेवरेट है ये, आई लाइक इट, बहुत सिंपलिसिटी सर, बहुत बेचा है सर। अब इस बेड को ना, अब इसको ये है कि अब इसको हटा के कुछ और इसकी जगह ऐड करेंगे। ये इसके नंबर लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है सर, ये जो है किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन इनमें नहीं है, फ्लोर पीस ही देंगे सर। अच्छा, ये जो सेक्शन हम दिखा रहे हैं बेड का, फिर से क्लियर कर दें, इनमें कस्टमाइजेशन नहीं होगा जी, जैसा है वैसा ही मिलेगा जी सर, और कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगा। कस्टमाइजेशन आप कराएंगे तो फिर ये ओरिजिनल प्राइस में जो एक्चुअल प्राइस होंगे उनके ऊपर अवेलेबल होगा, वो 20-25% एक्स्ट्रा है जी सर। जी सर, ये कितना प्राइस बताया आपने सर? ये सर अभी फ्लैट प्राइस 36,000 विद साइड टेबल सर। वाओ, आई लाइक दिस चेयर, सी द इंपोर्टेड चेयर्स हैं। यस सर, ये सारा चेयर का कलेक्शन है अभी हम लोगों के पास। ये 19,000 का पेयर है सर। और ये सर, ये अभी सारी में एक फ्लैट प्राइस बताऊंगा आपको, एक ही झटके के अंदर ऐसे प्राइस दूंगा, आप खुद कहेंगे कि भी इन प्राइसेस में भी चेयर अवेलेबल हो सकती है। ये तो इंपोर्टेड है, इसका हेडबोर्ड इंपोर्टेड है, आगे का जितना भी स्ट्रक्चर है दैट इज इंडियन। 48,000 का फ्लैट प्राइस है सर। ओह ओके, एंड ये 36,000 फ्लैट प्राइस सर, नॉन रिपीट है सर ये वाला। लेस कम है, ये तो टर्की का डिजाइन है, ये लग्जरी सेगमेंट में ये हमारा हमेशा बिकता है और हमारे पास अवेलेबल भी होता है, इसमें कस्टमाइजेशन जो मर्जी करवा लीजिए। अच्छा, प्राइस इज 1,15,000, 6x6.5, लैमिनेटेड है, हाइड्रोलिक है, सब कुछ है, और आफ्टर डिस्काउंट 92,000 सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ये न्यू एडिड है सर, इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन करवा लीजिए। प्राइस इज 65,000 बट ऑफर प्राइस इज 52,000, किसी भी कस्टमाइज के साथ 52 ही रहेगा सर इसका प्राइस। सबको अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है मैं उसको क्लियरली कह देता हूँ कि मुझे पर्सनली अपना मेरा टेस्ट है, I like this one, मुझे अच्छा लगा ये बहुत अच्छा है सर, सिंपल एंड सोबर कार्विंग के अंदर है, ये भी रेगुलर बिकता है, इसके अंदर भी किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। प्राइस 76,000 रेगुलर प्राइस था, 63,000 में ये कस्टमाइजेशन के साथ देंगे सर। क्या बात है जी सर, आई लाइक दैट आइडिया। Okay, let's move on to the next one. Now, this one is the rose gold color. I can skip this, but Mohit ji has to tell me the price. Sir, this is the last bed that we have to sell. The price is only 32,000. Or challenge ya kahin bhi cost apni costing bhi nahi karegi sir. Chaliye, for the people those who buy, want to buy something blingy, they can go for these designs. We did not pay much attention to this because this is not the kind of yes, sir. things we generally show. कई बार सर experiment ऐसे हो जाता है जो हमारे लिए भी कई बार ऐसा होता है, बाद में हमें सोचना पड़ता है कि इनको throw away prices पे भी निकालें। ठीक है, if it suits you, please go ahead with it. Otherwise, we have got some classy beds. Sir, quality wise, अगर किसी customer का mindset है, quality सब में एक जैसी है, ये नहीं होगा कि अगर ये 32 का दे रहे हैं तो इसके अंदर वो quality में कोई compromise है। आप continue नहीं कर रहे हैं। जी सर। ये कितने का है? ये वाला 52,000 का था, now this is for 42,000 sir. चलिए, last but not the least, this one. ये विंग्स डिजाइन वाला बेड है सर, बेड विद टू साइड टेबल, 48,000 का था, नाउ द प्राइस इज 42,000। चलिए, एंड दिस इज वन से वन मोर दैट इज वेरी क्लोज टू आवर लाइकिंग, वेरी सिंपल सोबर, आई लाइक दिस काइंड ऑफ डिजाइंस। हाउ मच इज दिस फॉर? फुल कवर्ड बेड, फ्लैट प्राइस 28,000 सर। ओह दैट्स ग्रेट। यस सर। नाउ चेयर्स, चेयर का कलेक्शन की अगर हम बात करें सर, आप देखेंगे किसी के पास बेडरूम चेयर के अंदर इतना कलेक्शन नहीं होगा किसी भी शोरूम के अंदर। अब प्राइस के ऊपर हम बात आती है, मैं प्राइस ऐसे प्राइस दूंगा, आप खुद कहेंगे कि इस प्राइस पे भी चेयर आ सकती है। फैब्रिक आप देख सकते हैं, सब में कॉटन, लिनन, हर तरीके का फैब्रिक यूज किया हुआ सर। ये वाली चेयर है सर, रेगुलर प्राइस कुछ भी था, अभी जो प्राइस है 14,000 का मैं पेयर दूंगा, एज इट इज दूंगा, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, फैब्रिक है? नहीं सर, लेदर राइट लगा हुआ। ओके, 14,000 रुपीस फॉर दिस ब्लू कलर चेयर, फॉर द पेयर सर, बट नॉन रिपीट, अगर कोई कस्टमर चाहता है रिपीट करवानी है, 20,000 इसका एक्चुअल प्राइस है पेयर। अच्छा, 20,000 or 14,000। आई लाइक दीज वन जिसके अंदर चेक लगा हुआ है। जी सर, ये सारा कॉटन लिनन के अंदर है सर, इसके अंदर कोई स्वेड नहीं है, बहुत अच्छी चेयर बिकती है, कम्फर्ट वाइज बकेट चेयर है, प्राइस 16,800 फॉर द पेयर सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस इज कॉल्ड पाइप इन चेयर, बहुत अच्छी, ये भी हमने आपको याद है हमने एम स्क्वायर से एक बार वीडियो की थी, सब चेयर डाली थी 20,000 के पेयर में। राइट, हाउ मच इज दिस फॉर? 16,800 फॉर द पेयर सर। चलिए, आई एम सो ग्लैड दैट यू रिमेंबर ऑल द प्राइसेस, हैट्स ऑफ टू यू। यस सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस वन, ये थोड़ी हैवी चेयर आ जाती है सर, इसके अंदर वुडवर्क ज्यादा आ गया, लेग्स वुडन हो गए हैं, स्ट्रक्चर डबल प्लाई के अंदर हो गया, द पेयर इज फॉर 22,000 फ्लैट प्राइस सर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट चेयर, बहुत सोबर फैब्रिक के अंदर है, लिनन के अंदर है सर, कपड़े का आप फील देख सकते हैं, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसके अंदर, वेरी इंडियन बोहो। यस सर, द प्राइस इज 17,000 फॉर द पेयर, एंड दिस इंपोर्टेड चेयर्स 19,000 फॉर द पेयर सर। दीज वर सपोज टू बी डाइनिंग चेयर्स, यस, बट दे आर यूज्ड एज अ बेडरूम चेयर्स। यस सर, ये स्मार्ट चेयर है सर, दिस आर कॉल्ड, वी कॉल देम गोलू चेयर, बट दिस आर एक्चुअली कॉल्ड लोटस चेयर, लोटस चेयर, बट जो इसका भी प्राइस था 20,000 अप्रॉक्स हमने सेल किया है, बट जो अभी प्राइस है दैट इज 16,800 फॉर द पेयर सर। कैसे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं हम आपको बताते हैं, दो चेयर्स का यहाँ पे पेयर है, और मोजी में बता रहे हैं कि लोगों की निगाह नहीं पड़ी उसके ऊपर, मैं आपको बता दूँ
सिर्फ ना देखने वाले की नज़र की बात होती है। ये चेयर्स रोबोटो क्वाली के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हैं जो बहुत पॉपुलर है। पूरी सर प्लाई का स्ट्रक्चर है बेस इसका, इसीलिए है, बट इसकी शेप बहुत अच्छी है सर। इसके अंदर जो प्लीट्स वर्क है वो बहुत नीट एंड क्लीन है सर। अगर हम इसको आगे से पीछे से कहीं से भी देखते हैं, इसका मेन जो काम है इसका प्लीट्स का वर्क है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है सर। कितने साल से आपके पास ये पेयर? नहीं सर, साल से नहीं है, लगभग 6 महीने से है सर। चलिए, तो यानी कि आपको मेटल टेस्टिंग करनी है तो आपसे देख लीजिए, अभी भी मेटल एकदम फ्रेश है। यस सर, ठीक है। क्या प्राइस है? ये 42,000 का पेयर है सर। चलिए ठीक है, डन। क्योंकि डिजाइनर पीस है ना वो। चेयर की कैटेगरी के अंदर अभी हम और चल रहे हैं सर। जैसे ये चेयर से सर, ये चेयर नॉन रिपीट है, सारी की सारी चेयर जितनी भी दिखा रहे हैं हम। अच्छा, इनमें कस्टमाइजेशन नहीं होगा? सब एज इट इज फ्लोर पीस है सर। ये वाले वही आर्टिकल है जिनकी हम बात कर रहे थे, इनको हटाएंगे, कुछ और नया लेके आएंगे सर। क्या प्राइस है? 16,800 फॉर द पेयर। इंपोर्टेड है ये? इंपोर्टेड आर्टिकल है। आई थिंक दिस इज फॉर 18,000। स्विवलिंग चेयर है ये वाले, हॉकी चेयर इन ट्रेंड है सर। 18,000 फॉर द पेयर। एंड वी हैव टू पेयर हेयर ऑल्सो सर। क्रॉस लेग्स को हॉकी चेयर बनाया आपने, वेरी नाइस। मिड सेंचुरी डिजाइन होते हैं ये, जिनमें लेग्स क्रॉस होती हैं सर। पता है मार्केट के अंदर अगर कोई बना देता है उसकी शेप को देख के उसको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये हॉकी चेयर है, क्योंकि हमारे पास कोई ये भी मिड बैक के अंदर चेयर है। 22,000 फॉर द पेयर। ये थोड़ी सी हाई बैक के अंदर है, बहुत अच्छी चेयर है, सोबर कॉम्बिनेशन है। 28,000 फॉर द पेयर सर। चलिए, बुकले के साथ में कुछ फैब्रिक, आई लाइक दिस कलर, बहुत अच्छा बरगंडी एंड बेज, अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला है। ओके, फ्लोरल क्वेश्चन आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं इसमें। ओके सर, बोल वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, आप बेड पर रख लीजिए इनको। जी जी जी, हम तो अपने क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स का भला सोचते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे, आप इसके ऊपर मत रखिए, आप बेडरूम में डाल लीजिए इनको, उसके बिना भी पैसा इसका अच्छा होगा। क्या प्राइस है सर? एल शेप विद ऑटोमन 51,000 सर। ओ ग्रेट, एल शेप विद ऑटोमन फॉर 51,000 रुपीज। क्वेश्चन आप बेड पे यूज करिए। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये 7-सीटर अवेलेबल है, 3+2+2, 45,500 सर। चलिए, एल कॉर्नर जिनके पास स्पेस कम होता है उनके लिए क्या एल कॉर्नर के साथ ऑटोमन लेना जरूरी है? सर अच्छा है, कंफर्टेबल है, एटलीस्ट ये होता है सर। अभी एक कस्टमर, हमने कल ये सोफा दिया है किसी को द्वारका एक से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ऑटोमन को इसके साथ लगवाया। कहाँ? इसके साथ, बिल्कुल लाउंजर के साथ इसको प्लेस करवाया, तो उसकी लेंथ और उसकी लेंथ एग्जैक्ट मैच कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बोला इसमें सो के देख, इज इट कम्फर्टेबल अगर मैं क्विल्ट डाल दूं तो। उनके बेटे ने लेट के देखा, कहता मम्मा इवन एक और भाई भी सो सकता है इस पे, हम दोनों सो जाएंगे। अच्छा, तो ये सोफा का बेड पूरा ही पूरा क्रिएट हो गया सर अपने आप बैठे बैठे। ग्रेट, मेरे पास एक और आइडिया, आपके बेडरूम में आप इसको ड्रैग कर लीजिए, बेड के हेडबोर्ड फुटबोर्ड के साथ में रख लीजिए। जी सर, तो वहाँ पे काम आ जाएगा। क्या प्राइस है इसका? 52,500 का है, एल शेप विद ऑटोमन, स्वेड लेदर के अंदर है। ओके, कुछ हमारे भी लाइकिंग वाले हैं यहाँ पे जो खास, ये वाला बहुत अच्छा लगा हमें, काफी पॉपुलर डिजाइन है, कई सालों से चल रहा है, ये रेगुलर बिक रहा है सर। ये याद में अभी हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, इसके एक 2-सीटर का वीडियो डाल दिया था, और वो 2-सीटर वो सिर्फ एक ही पीस था, बट 12 पीस वो देने पड़े हमें। अच्छा, वो बनारस वाले डॉक्टर जी, काफी लोग ऐसे आए, एक थे डीसी थे, उन्होंने भी कहा नहीं आई लाइक द सेम कलर, आई लाइक द सेम फैब्रिक, मतलब ऐसे एक एक करके वो 12 पीस 2-सीटर हमें बना के देने पड़े, जबकि हमें सिर्फ एक ही बेचना था। वो हो जाता है कभी कभी, कोई चीज अच्छी लग जाती है। ये डिजाइन क्यों पॉपुलर रहा? ये बहुत सिंपल डिजाइन है, इसमें कभी कोई फॉल्ट नहीं होता जी, मतलब किसी भी स्पेस में आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है, आलू की तरह है ये जी सर। कलर इज ऑल्सो वेरी गुड, आप इसको ग्रे के साथ, सतवारी वनिश के साथ, या जैसे वॉलपेपर लगा लीजिए ग्रे कलर का, यू आर डन एंड सॉर्टेड। इसका प्राइस बताएं, आगे चलें सर? 10,500 पर सीट इसका रेगुलर प्राइस है, बट जो अभी प्राइस है दैट इज 8,500, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लेदर है इसके अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा मेरे को, मैं आपको कह दूं, आपने बोला इसमें आप कोई ऑल्टरेशन नहीं करेंगे? नहीं नहीं सर, ये तो सारे हमारे इन हाउस प्रोडक्शन है, इसके अंदर तो किसी भी तरीके की ऑल्टरेशन पॉसिबल। इसमें लेग्स चेंज कर सकते हैं ना, सब कुछ पॉसिबल है सर। गोल्ड इज थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है, ब्लैक लगा दीजिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई नहीं भी बोले तब भी मेरी तरफ से लगा दीजिए, बोल दीजिए मैंने कहा था। इतनी लिबर्टी ले सकता हूं मैं अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। ये मोटराइज्ड डिक्लाइनर है सर, हमने लास्ट टाइम फीचर किया था, इसके बहुत ऑर्डर मिले सर हम लोगों को। इसके अंदर हमने 2-सीटर, 3-सीटर, सिंगल सीटर, एल शेप, काफी इसके बना बना के हमने कस्टमरों को दिए। ओके, इसका जो हमारा एक्चुअल प्राइस था 1,19,000 का था, ऑफर प्राइस वाज 99,000। 2 सीट मोटराइज डिक्लाइनर है, बीच की सारी सीट है नॉन डिक्लाइनर है, और बहुत प्रीमियम स्वेड लेदर के अंदर है सर। क्या प्राइस है उसका? 1,19,000 आफ्टर डिस्काउंट 99,000 सर। चलिए, इसका ये फिर से रिक्लाइनर है, इसके अंदर 5-6 सीटर सोफा है, सिर्फ 3-सीटर की बीच की सीट नॉन रिक्लाइनर है, बाकी सब रिक्लाइनिंग है। ठीक है, ये मैनुअल है सर। इसका प्राइस जो है 1,19,000 आफ्टर डिस्काउंट 99,000 सर। चलिए, अभी हम क्विकली इन सबका प्राइस आप फोन पे बताइएगा। ये हमने नया ऐड किया, हाई बैक का सोफा है। अब इसका कई बार बहुत से कस्टमर ऐसे आता है, हमें रेक्टेंगुलर शेप नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए, 3+3+ कॉर्नर विद डिवाइडर।
कंप्लीट सेट वाज फॉर 81,000, नाउ दिस इज फॉर 63,000 सर। चलिए, ये हमारा लास्ट पीस है। दिमाग से स्लिप हो गया, ये सारे लिमिटेड अनलिमिटेड यूनिट्स हैं ना सर? जो हमारे ये रेगुलर्स हैं, इनमें कुछ रेगुलर्स हैं, कुछ जो हम फ्लैट प्राइस जिन पे हम बोल रहे हैं वो हमारे पास वही यूनिट है सर। अच्छा, उसके अलावा कोई ऑल्टरेशन? उसके अंदर, उसके बाद फिर हमने वो डिजाइन ही डिसकंटिन्यू कर देना सर। बहुत से डिजाइन जो है पाइप लाइन में है सर। चलिए, ये वाला सोफा है, ये हमने बहुत बेचा है सर। अब ये लास्ट पीस है, 42,000 का एल शेप और दो पफी सर। चलिए ठीक है, डन। ये सारे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। जी सर, पीस कितना रह गया है? जी वो सर, आप एक बार मोहित जी से पूछ लीजिए। ये है सर, हाफ चेस्टर सोफा है। इसमें नीचे साइड में क्विल्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। 68,000 एल शेप विद टू चेयर्स, बट फ्लैट प्राइस इज 56,000। चलिए ठीक है, डन। ये लो हाइट मॉडर्न सोफा है सर, 49,000 फॉर 7 सीट फ्लैट प्राइस सर। चलिए, एंड दिस वन, दिस एल शेप विद टू सीट टू पफीज, 45,500 फ्लैट प्राइस सर। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो बड़ा मुश्किल से मूव होती हैं। जी सर, जी सर, क्योंकि वो आरएनडी के लिए आपकी हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा भी डेटेड हो रहा है मुझे। जी सर, ये थोड़ा ट्रेंड से बाहर जा रहा है ना। बट सर, पता है कई चीज, जैसे अब हम होलसेलर भी हैं सर, कई डिजाइन ऐसे होता है होलसेल की मार्केट के अंदर से एक ट्रेंड बना हुआ है। अगर किसी आउट ऑफ डेली शोरूम के अंदर कोई आर्टिकल बिक रहा है ना, हमारा माइंड सेट ये कहता है एक्सपेरिमेंट करते रहो, बेचते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, बेचते रहो। बट जो होलसेल की मार्केट के अंदर छोटी सिटीज है, जो मेट्रो सिटीज नहीं है, उनका माइंडसेट ये है, ये सेट अगर मेरा 5 साल से बिक रहा है ना सर, तो आज भी वो इस सेट को बेच के ही खुश है। वो रिस्क नहीं लेंगे, क्या पता मैं दूसरा मंगवाऊं और वो ना बिके और वो रुक जाए सर। ये भी माइंड सेट है, इसलिए ना कुछ चीजें वो कंटिन्यूटी में फिर रखनी पड़ती है दोबारा। ये भी एक रीजन हो जाता है। फर्स्ट आई थिंक ये अकेला यूनिट है ऐसा जो हमको लगा कि अब थोड़ा सा। जी सर, जी सर, जी सर, बाकी सारे के सारे फ्रेश हैं। लेट्स गो, आगे चलते हैं सर। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला LHS RHS सोफा विद टू बैक वाली पफीज के साथ है, 52,000 फ्लैट प्राइस सर। Here on the last floor now, अब हमारा रैपिड का फाइनल टाइम आ गया है। यहाँ पे वो यूनिट है जो जनरली जिनका सेट लोग ले जाते हैं और कुछ पीसेस हमारे पास रह जाते हैं सर। सीधी भाषा में बोले ना, इनके भाई बंद बिछुड़ गए हैं, ये रह गए हैं। ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है, 322 ऐसे रखे होते हैं, लोगों को सिर्फ जरूरत होती है 32 की, वो ले जाते हैं। जी सर, सीटर रह जाते हैं सर। हम कस्टमरों को तभी कन्विंस करते हैं कि सर पूरा सेट ले लो, टू सीटर बचेगा तो वो हमारे लिए ना, फिर कपड़ा नहीं मैच होगा, पॉलिश नहीं मैच होगी, वो हमारे लिए एक हेडेक हो जाती है उसको बेचना। तो फिर ये टू सीटर फिर सेपरेट ही रह जाते हैं। अभी मेरे पास नाना करते 17-18 टू सीटर थे सर। तो वो लोग जो अपने बेडरूम में दो चेयर रखना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। जी किस सर, किस के लिए ऑप्शन है ये भी बता दें। ये जो टू सीटर है ना जी, ये किसी भी छोटे ऑफिस के रिसेप्शन पे आप रख लीजिए, बेडरूम में दो चेयर्स की जगह आप इनको वहां रख लीजिए, जहाँ पे आप शूज चेंज करते हैं वहां पे रख सकते हैं फॉर एरिया में, या फिर अपने बेड के बेडरूम में रख सकते हैं सर। मेरे पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम टू सीटर का स्टॉक का एक गेस्ट हाउस वाला लेके गया था, उन्होंने हमें बोला, बहुत अच्छा रीजन दिया, कहते यार मैं दो चेयर रखूंगा एटलीस्ट हर कमरे में, मैं टू सीटर रख दूंगा ना, तो कोई भी गेस्ट एक रूम से दूसरे रूम में जाएगा उसको कुछ तो अलग दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। 17-18 टू सीटर के पीस लेके गए थे सर, वो मेरे पास स्टॉक सर। क्या प्राइस है इसका सर? ये एक्चुअल प्राइस जो था ये हमारा 10,500 रुपए पर सीट था, मतलब 21,000 का टू सीटर हमें कॉस्ट करता था, बट अभी ये टू सीटर ही है तो दिस इज फॉर 15,000 ओनली सर। चलिए, चेस्ट का बहुत अच्छा काम है इसमें, लेग्स बहुत थोड़ी सी गोल्डन है इसमें भी। ये थ्री सीटर है? थ्री सीटर है सर ये वाला। इसके दो टू सीटर बिक गए सर, फिर वही जिसके परिवार बिछड़ गया सर, वो तो वो अपने हिसाब से ही जाएगा फिर। पर है अच्छा, कितने का? ये सर 24,000 का थ्री सीटर सोफा है, 8,000 पर सीटर सर। और ये सर 10,000 फॉर टू सीटर, बड़ा डिजाइनर पीस है, इसका भी 3-2 सेल आउट हो चुका है सर। एंड दिस वन एल कॉर्नर सर, ये है थ्रो अवे सोफा सेट जो दोबारा कभी रिपीट नहीं होंगे, यही सेम सोफा मिलेंगे, कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगी। प्राइस में इसके ऐसे दे दूंगा, स्वेड लेदर लगा हुआ, बहुत प्रीमियम, 400 रुपए मीटर का, 42,000 का एल शेप, दो पफी के साथ। एंड दिस वन टू सीटर, ये 10,000 सर। अभी आपने इसका 3-2-2 नीचे देखा, 7,500 पर सीट था, बट ये टू सीटर ही है तो 10,000 ओनली सर। अच्छा, ये वाला एल कॉर्नर सर, ये वाला एल शेप भी वही है सर, कि ये नॉन रिपीट के अंदर है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, 42,000 का है एल शेप और दो पफी। अच्छा, जैसे आरसी की चेयर दिखाई थी वैसे ये टेबल है, बहुत अच्छा टेबल है, लेकिन लोगों ने निगाह नहीं मारी। जी सर। चलिए, ये टू सीटर सर ब्लू कलर के अंदर है, सेम 10,000 के अंदर है सर। ओके, जी सर। और ये बेज 10,000 के अंदर टू सीटर है सर, चेस्टर इफेक्ट है इसके अंदर, बैक में भी और साइड्स में भी। और ये, ये वाला 10,000 का टू सीटर है सर। और वो, अरे तो उसका है, ये वही है सेम सोफा जिसके हमने लास्ट टाइम भी देख रहे थे। यस 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 सर, लास्ट टाइम भी एक टू सीटर 10 कलर के अंदर बचा था, इस बार ये व्हाइट के अंदर बच गया। वाह, दिस इज वेरी गुड यार। 10,000 रुपीज का? नहीं सर, 12,000 का ये वाला। ये हेल्दी है थोड़ा सा सोफा, इसमें मेकिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहती है सर। ठीक बात है, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है ये। जी सर। ओके, तो लास्ट ये एल कॉर्नर 38,000 एल शेप और टू पफी सर। एंड दिस वन 38,000 फॉर एल शेप सोफा। ये सेंटर टेबल, सेंटर टेबल पॉलिस्टर के अंदर है सर। मैं आपको ये लास्ट पीस ये तो 24,000 का दे दूंगा, 3.5x3 का साइज है सर। चलिए,
ओके यस सर, टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। वीडियो की लेंथ हो गई बहुत ज़्यादा, लोग हमको करते हैं नफरत क्योंकि हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा, बट सर लंबे जो एपिसोड देखेंगे उनको लास्ट में जाके बहुत अच्छा लगेगा सर, इस चीज़ की मेरी श्योरिटी है। श्योर, यस सर। ओके, आई होप दे विल शावर मोर लव ऑन यू कंपेयर टू द लास्ट टाइम, दे हैव बीन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड यू आर द वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पीपल आई नो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द व्यू, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियोस आल्सो सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर।